नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने आधुनिक भारत के इतिहास में 1905 से लेकर 1947 की घटना को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने दोस्तों 1905 बंगाल विभाजन से लेकर 1912 दिल्ली षड्यंत्र या होर्डिंग द्वितीय बम कांड तक को डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम 1913 से आगे बढ़ेंगे और जैसे ही हम इसको शॉर्ट में कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों 1947 तक, उसके बाद एक एक घटना को डिटेल में करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज हम शॉर्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों 1913 की पहली घटना। 1913 की घटना पकड़ना है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। यह आपका है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, यह पकड़ना है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में यह पकड़ना है आपका दोस्तों अलास्का, कनाडा, मैक्सिको और यह है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां पर पकड़ना है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को, यह आपका है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को, यह है अमेरिका का दोस्तों सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 10 मई 1913 को सोहन सिंह भाखना के द्वारा दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की गई, अर्थात गदर पार्टी की स्थापना हुई है दोस्तों 10 मई 1913 को। और इसके संस्थापक है दोस्तों सोहन सिंह भाखना। गदर पार्टी के संस्थापक है दोस्तों सोहन सिंह भाखना, जबकि इसके सह संस्थापक है गदर पार्टी के लाला हरदयाल सिंह तथा अफगानिस्तान के स्वघोषित शासक बरकत उल्ला खां। ध्यान दीजिएगा, गदर पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों सोहन सिंह भाखना, अर्थात गदर पार्टी के अध्यक्ष बने दोस्तों सोहन सिंह भाखना, जबकि इसके उपाध्यक्ष बनाए गए दोस्तों केसर सिंह थत्तगढ़ को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। गदर पार्टी के महामंत्री बने लाला हरदयाल सिंह इसके महामंत्री बनाए गए। इसके संयुक्त सचिव बनाए गए दोस्तों, गदर पार्टी के संयुक्त सचिव बनाए गए लाला ठाकुर दास धुरी और इसके कोषाध्यक्ष बनाए गए पंडित काशीराम को इसके कोषाध्यक्ष बनाए गए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गदर पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो यह है दोस्तों गदर पार्टी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीयों में एकता व राष्ट्रीय चेतना की भावना विकसित कर भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 10 मई 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाखना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। इसके सह संस्थापक सदस्य थे लाला हरदयाल सिंह तथा अफगानिस्तान के स्वघोषित शासक बरकत उल्ला खां। इसके अध्यक्ष बनाए गए सोहन सिंह भाखना, उपाध्यक्ष केसर सिंह थत्तगढ़, महामंत्री लाला हरदयाल सिंह, संयुक्त सचिव लाला ठाकुर दास धूरी और कोषाध्यक्ष बनाए गए दोस्तों पंडित काशी राम। गदर पार्टी के उद्देश्यों के प्रचार प्रसार हेतु दोस्तों गदर पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो यह था दोस्तों गदर पार्टी। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों 1914 की पहली घटना। 1914 की पहली घटना देखेंगे दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। ध्यान दीजिएगा, 1914 की पहली घटना है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 1914 की पहली घटना है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ।
प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार फर्स्ट, ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध चला है दोस्तों 1914 से लेकर 1919 तक, ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ है 28 जुलाई 1914 को, जबकि प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक प्रारंभ हुआ है 4 अगस्त 1914 को, प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ है 11 नवंबर 1918 को, जबकि प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक समापन हुआ है 28 जून 1919 को। तो प्रथम विश्व युद्ध को समझने से पहले हम दोस्तों यूरोप का थोड़ा मैप देख लेते हैं, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से देश पार्टिसिपेट किए थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है दोस्तों यूरोप, यह आपका है दोस्तों यूरोप, यह आपका पकड़ना है यूरोप, यह है दोस्तों यूरोप, यह इटली, यहां पर पकड़ना है दोस्तों यूरोप में, यह आपका है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यह पकड़ना है दोस्तों पोलैंड, यह आपका पकड़ना है पोलैंड, यह डिस्कस, यह है आपका दोस्तों चार कंट्री, यह है चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, यह है दोस्तों स्लोवाकिया, और यह आपका है दोस्तों हंगरी। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है दोस्तों स्विट्जरलैंड, ये पकड़ना है दोस्तों स्विट्जरलैंड, और ये आपका है दोस्तों जर्मनी, ये आपका है पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है दोस्तों डेनमार्क, यहां पर ये आपका है नीदरलैंड, नीदरलैंड, और ये आपका है दोस्तों बेल्जियम, लक्समबर्ग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है दोस्तों पुर्तगाल, ध्यान दीजिएगा, ये है दोस्तों स्लोवाकिया, जबकि ये आपका है दोस्तों स्लोवीनिया, ये पकड़ना है दोस्तों स्लोवीनिया, ये है दोस्तों स्लोवीनिया, ये पकड़ना है दोस्तों स्लोवीनिया, ये आपका है दोस्तों स्पेन, पुर्तगाल, स्पेन, ये आपका है फ्रांस, ये आपका पकड़ना है दोस्तों इटली, ये आपका है दोस्तों इटली, इटली में यहां पर पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है वेटिकन सिटी, ये है दोस्तों सेन, ये है दोस्तों सेन मारिनो, ये आपका है दोस्तों, ये पकड़ना है मोनाको, और यहां पर है दोस्तों एंडोरा, ये आपका है दोस्तों एंडोरा, यहां पर पकड़ना है दोस्तों माल्टा, ये पकड़ना है दोस्तों माल्टा। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दोस्तों हंगरी, ये आपका पकड़ना है रोमानिया, ये पकड़ना है दोस्तों रोमानिया, ये आपका है यूक्रेन, और ये है दोस्तों बेलारूस, यहां पर चार कंटिन्यूस कंट्री पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है क्रोएशिया, ये आपका है बोस्निया, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टीनिग्रो, मॉन्टीनिग्रो, ये आपका पकड़ना है दोस्तों अल्बानिया, ये है कोसवो, ये है दोस्तों नॉर्थ मेसिडोनिया, नॉर्थ मेसिडोनिया, और ये पकड़ना है दोस्तों आपका सर्बिया, ये आपका पकड़ना है दोस्तों बुल्गारिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये है दोस्तों अल्बानिया, ये है दोस्तों ग्रीस, बुल्गारिया और आपके ग्रीस से लगा हुआ है एशिया का ये कंट्री दोस्तों, ये पकड़ना है आपका टर्की, ये आपका है दोस्तों टर्की की राजधानी अंकारा, यहां पर है दोस्तों जॉर्जिया, यहां पर ये सेक्शन पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है ब्लैक सी, यह है आपका दोस्तों ब्लैक सी, ब्लैक सी, और यहां से यह पूरा है दोस्तों रूस, ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, यह पकड़ना है आपको, यह पकड़ना है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यह है दोस्तों नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और यह पूरा कंट्री है दोस्तों आपका रसिया, यह सेक्शन पकड़ना है दोस्तों आपका रसिया, ये आपका है रसिया, ये पकड़ना है दोस्तों रसिया। चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो ये आपका है रसिया, रूस, ये पूरा सेक्शन आपका दोस्तों रूस, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका दोस्तों यूरोप, यहां पर पकड़ते हैं, ये आपका है ब्रिटेन, ब्रिटेन में पकड़ना है, ये है स्कॉटलैंड, ये है इंग्लैंड, ये है दोस्तों नॉर्थ आयरलैंड, ये है आयरलैंड, ये है दोस्तों आइसलैंड। चलिए दोस्तों, तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों यूरोप, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पकड़ते हैं दोस्तों, ये आपका है ऑस्ट्रिया, देखिएगा, ये आपका है दोस्तों ऑस्ट्रिया, ये आपका है दोस्तों ऑस्ट्रिया, ये पकड़ना है ऑस्ट्रिया,
ये आपका है दोस्तों बोस्निया, यहां पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है दोस्तों बोस्निया, ये बोस्निया की राजधानी है दोस्तों सेरेजोवा, सेरेजोवा ये है दोस्तों सेरेजोवा, और ये पकड़ना है दोस्तों सर्बिया। पहले कहानी इनसे आगे बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा। ये है दोस्तों ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड जो कि अपने विदेशी यात्रा पे निकले थे दोस्तों बोस्निया, और बोस्निया में एक बोस्निया में दोस्तों रैली के दौरान सर्बिया के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में कर दी जाती है दोस्तों गोली मार के हत्या। दिमाग बटाइएगा दोस्तों, यहां पर पहले ध्यान दीजिएगा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ माना जाता है दोस्तों 28 जुलाई 1914, जबकि प्रथम विश्व युद्ध का समापन माना जाता है दोस्तों 11 नवंबर 1918। ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। सबसे पहली घटना 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार पकड़ना है दोस्तों आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, आर्च ड्यूक फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड जो कि बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में एक रैली का संपादन करते रहते हैं, इसी रैली के दौरान सर्बिया के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की 28 जून 1914 को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दिमाग बैठाइएगा दोस्तों, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में सर्बिया के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो 28 जून 1914 को होता है दोस्तों आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, यहां पर होता है दोस्तों आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, यहां पर हत्या दोस्तों आर्च ड्यूक फर्डिनेंड के साथ साथ उनकी महारानी की भी होती है। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में सर्बिया के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा 28 जून 1914 को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस प्रतिशोध से दोस्तों ऑस्ट्रिया सर्बिया पर जस्ट एक महीने बाद आक्रमण करता है। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया जाता है। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया जाता है और इसी प्रकार से 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है दोस्तों। लेकिन 4 अगस्त 1914 को, ध्यान दीजिएगा, 4 अगस्त 1914 को दोस्तों ऑस्ट्रिया की तरफ से इस युद्ध में शामिल होता है दोस्तों जर्मनी, और जैसे ही जर्मनी ऑस्ट्रिया की तरफ से इस युद्ध में शामिल होता है दोस्तों, तो औपचारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑस्ट्रिया की तरफ से इस युद्ध में शामिल होता है दोस्तों जर्मनी, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का औपचारिक प्रारंभ। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ माना जाता है 28 जुलाई 1914, लेकिन जर्मनी का ऑस्ट्रिया की तरफ से जब इस युद्ध में शामिल होता है दोस्तों, तो 4 अगस्त 1914 को माना जाता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का औपचारिक प्रारंभ। चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। और 8 अगस्त 1914 को जर्मनी के विरोध में इस युद्ध में शामिल हो जाता है दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस, और ये पकड़ना है दोस्तों आपका रूस। तो इस युद्ध में दोस्तों जर्मनी के खिलाफ अर्थात सर्बिया के तरफ से इस युद्ध में शामिल होते हैं दोस्तों रूस, जर्मनी और रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर 8 अगस्त 1914 को सर्बिया के तरफ से इस युद्ध में शामिल होते हैं रूस ब्रिटेन और फ्रांस। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी बीच
इसी बीच दोस्तों आगे 1917 में 6 अप्रैल 1917 को रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और सर्बिया के तरफ से इस युद्ध में शामिल होता है दोस्तों अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अंततः 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध का होता है दोस्तों समापन। लेकिन इसका औपचारिक समापन होता है आर्च ड्यूक फर्डिनेंड के जिस दिन मृत्यु हुई थी दोस्तों उसी तिथि में अर्थात 28 जून की याद में 28 जून 1919 को दोस्तों पोर्टलैंड की राजधानी, ये आपका है दोस्तों पोलैंड की राजधानी, पोलैंड की राजधानी, पोलैंड की राजधानी ये है दोस्तों वर्साय, पोलैंड की राजधानी वर्साय में औपचारिक समापन होता है दोस्तों वर्साय की संधि के तहत। तो वर्साय की संधि के तहत, वर्साय की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध का होता है दोस्तों औपचारिक समापन। तो यह है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध, ध्यान दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है दोस्तों 28 जुलाई 1914, इसका समापन होता है दोस्तों 11 नवंबर 1918। देखिए घटनाक्रम समझिएगा, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में सर्बिया के कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसी के प्रतिशोध में जस्ट एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया जाता है और 4 अगस्त 1914 को ऑस्ट्रिया की तरफ से इस युद्ध में शामिल होता है दोस्तों जर्मनी। इसे कहा जाएगा दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक प्रारंभ। 8 अगस्त 1914 को दोस्तों जर्मनी के खिलाफ इस युद्ध में शामिल होता है रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। 6 अप्रैल 1917 को दोस्तों रूस, ब्रिटेन और फ्रांस का साथ देने के लिए इस युद्ध में शामिल होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध का समापन होता है। 28 जून 1919 को वर्साय की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक समापन होता है। देखिएगा दोस्तों हम ये देखते हैं थोड़ा सा कि अमेरिका इस युद्ध में क्यों और कब शामिल हुआ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों अमेरिका इस युद्ध में क्यों और कब शामिल हुआ। देखिएगा ये आपका है दोस्तों आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, देखिएगा ये आपका है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, ये आपका है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, ये आपका पकड़ना है दोस्तों अलास्का, ये आपका है कनाडा, ये आपका है दोस्तों यूएसए और ये है दोस्तों मैक्सिको, ध्यान दीजिएगा। ये आपका पकड़ना है न्यूयॉर्क, ये आपका पकड़ना है दोस्तों न्यूयॉर्क, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ध्यान दीजिएगा। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने पनडुब्बियों के द्वारा ब्रिटेन के समस्त व्यापारिक जहाजों को नष्ट कर रहा था दोस्तों। इसी बीच न्यूयॉर्क से ब्रिटेन का एक यात्री जहाज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ब्रिटेन का एक यात्री जहाज लुसिटानिया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ब्रिटेन का एक यात्री जहाज 1100 यात्री को लेकर लुसिटानिया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों लुसिटानिया नामक यात्री जहाज 1100 यात्री को लेकर न्यूयॉर्क से जा रहा था दोस्तों अटलांटिक महासागर से होते हुए यह जा रहा था दोस्तों ब्रिटेन। इसमें 108 यात्री बैठे हुए थे दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों जर्मनी ने लुसिटानिया नामक, ब्रिटेन के लुसिटानिया नामक जहाज पर आक्रमण किया अपने पनडुब्बी से दोस्तों, और 7 मई 1915 को जर्मनी ने अपनी पनडुब्बियों की सहायता से लुसिटानिया नामक जहाज को 7 मई 1915 को दोस्तों नष्ट कर दिया, जिससे ये जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया और समस्त 1100 यात्री मारे गए। ये इस क्रूरता के कारण दोस्तों यूएसए के भी 108 यात्री मारे गए। अंततः 2 साल बाद इसी का प्रतिशोध लेने के लिए दोस्तों 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस के तरफ से दोस्तों इस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है आपके जर्मनी के खिलाफ। तो यह है दोस्तों अमेरिका इस युद्ध में औपचारिक रूप से 6 अप्रैल 1917 को इस युद्ध में शामिल होता है। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं दोस्तों 28वें राष्ट्रपति, अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति रहते हैं दोस्तों विल्सन।
विल्सन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति विल्सन के द्वारा 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किया जाता है। तो इस प्रकार से 6 अप्रैल 1917 को औपचारिक रूप से अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों समस्त विश्व दो गुटों में बढ़ जाता है। पहला गुट कहलाता है दोस्तों, पहला गुट कहलाता है ट्रिपल अलायंस, दूसरा गुट है दोस्तों ट्रिपल एंटेंट। ध्यान दीजिएगा ट्रिपल एंटेंट में कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन से कंट्रीज है। ट्रिपल एंटेंट में है दोस्तों जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और एशिया का एक कंट्री टर्की। ये देश सम्मिलित है दोस्तों आपके ट्रिपल अलायंस में। ये सब कंट्री है दोस्तों ट्रिपल अलायंस में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये कंट्रीज सम्मिलित है दोस्तों ट्रिपल अलायंस में, ट्रिपल अलायंस में, ट्रिपल अलायंस में। और ये अंततः पराजित ग्रुप है प्रथम विश्व युद्ध में। विजित ग्रुप में शामिल है दोस्तों ये आपका है दोस्तों अमेरिका, ये आपका है दोस्तों अमेरिका, ये पकड़ना है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा ग्रुप में है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ये पकड़ना है दोस्तों सर्बिया। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, सर्बिया और आपका है दोस्तों यूएसए। ये दूसरे ग्रुप में शामिल है दोस्तों जिसका नाम है ट्रिपल एंटेंट, ट्रिपल एंटेंट और ये विजेता ग्रुप है। तो ये था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये था दोस्तों आपका प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध इस प्रकार से समापन हुआ दोस्तों आपके वर्साय की संधि, वर्साय जो कि पोलैंड की राजधानी है दोस्तों, वर्साय यहां पर हुआ है दोस्तों वर्साय की संधि 28 जून 1919। चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखने जा रहे 1914 की दूसरी घटना। 1914 से 1919 तक चला है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध। इसी बीच ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसी बीच 1914 की घटना घटी है दोस्तों कामागाटा मारू प्रकरण। चलिए दोस्तों तो 1914 की अगली घटना हम देखने जा रहे हैं कामागाटा मारू प्रकरण। 1914 की अगली घटना है दोस्तों कामागाटा मारू प्रकरण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कामागाटा मारू प्रकरण।